नमस्कार दोस्तों, आज अपने पास ये हुंडई की वरना और चेक करेंगे। आज क्लच ब्रेकिंग हमने डाला है इसमें, मास्टर सिलेंडर क्लच मास्टर सिलेंडर। और दोस्तों पहले इसमें ब्रेक ऑल पूरा करके और यहाँ से जो है अपने स्लिप सिलेंडर के पास से इसको लूज कर लेंगे। जो आप देख रहे हैं यहाँ से एयर निकालने का है, आत्मा का पाना देखे आप उसको यहाँ से लूज कर लेंगे, ताकि यहाँ से जब ऑयल आने लगेगा ऑटोमेटिक ऑयल आ जाएगा, यहाँ से धीरे धीरे तेल आने लगेगा, तेल निकल जाएगा। तो फिर उसके बाद में और पैडल आपको एक लड़का अंदर बैठा लेना है, फिर उधर से पैडल प्रेस करेगा और आप यहाँ से एयर निकालेगा। तो कोशिश करूँगा पूरी जानकारी आपको उसमें देने के लिए। आप देख के वीडियो को लूज कर रखा है, उसके बाद टाइट करके फिर इसको ऑयल आने लग गया तो पैडल बना के देखेंगे। बनाओ बनाओ पैडल बनाओ। दबा ले, बनाओ दबा ले। बना पैडल, दबा ले। देखना दोस्तों यहाँ पे दबाएगा तो एयर नहीं निकल रहा वो, ठीक है। और इसको टाइट कर लेना है काफी से। बना पैडल बनाना है साथ के साथ। ये देखना यहाँ से लीकेज तो नहीं है कहीं से, और एक बल पूरा इतने कम हो गया, डालेंगे साथ में। चल दबा ले अब, और एक बार दबा, बना पैडल बना। पंपिंग कर रहा है दोस्तों अंदर बैठ के, लड़का अंदर बैठा हुआ है। चल दबा ले, अब देखेंगे एक बार स्टार्ट करके इसको, उसके बाद दोबारा करना पड़ेगा। दबा, गियर लगा के देख, अब गियर लगा के देख, पहला सेकंड फर्स्ट सेकंड गियर लगा के देख। देख पा रहे हो आप, गियर भी लग रहा है आपका, गियर हो गया, ब्लीडिंग ओके हो गई हमारी, ठीक है, ब्लीडिंग कंप्लीट हो गई। ब्रेक वाली पर ठीक है, जा देंगे इसमें क्लच और ब्रेक ऑयल एक ही जगह होता है, यहीं से ये कनेक्ट होता है, ब्रेक ऑयल के डब्बे से ही कनेक्ट होता है ये पाइप, इसके थ्रू क्लच पे जाता है, क्लच ऑयल का मास्टर क्लच मास्टर सिलेंडर पे जाता है। और किसी किसी गाड़ी में अलग सेपरेट होता है, क्लच का ऑयल अलग डलता है और ब्रेक का अलग, पर क्या होता है कि किसी और ज़्यादातर गाड़ी में कि एक से भी कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें एक से कनेक्ट है, इसी में ब्रेक ऑयल भी, इसी रिजर्व बोतल जो है इसी में ब्रेक का भी ऑयल जाता है और क्लच का भी ऑयल जाता है, यहीं से एक ही होता है दोनों का, ठीक है। हम इसमें डॉट फोर ब्रेक ऑयल यूज़ करेंगे ब्रेक ऑयल के लिए, क्लच और ब्रेक में दोनों में यूज होता है डॉट फोर है, दो टाइप आते हैं, डॉट थ्री का आता है डॉट फोर का, तो डॉट फोर में भी जाता है, डॉट फोर चल रहा है और डॉट फोर ही चलेगा इसमें, ठीक है। ब्लेडिंग होगी कंप्लीट, हमने कर दिया कैप पल। और ये गाड़ी थी हमारी हुंडई की वरना,